हेलो एवरीवन माय सेल्फ जयश्री आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल सीनियर जारा फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेयस थ्योरम और हमको आज स्टार्ट करनी है ठीक है ना आई होप इट्स क्वाइट क्लियरली विजिबल टू यू इफ देखिए क्या है हमारा टॉपिक इफ़ बी वन से लेकर बी एन तक आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पूरा स्टडी कर चुके हैं ठीक है ना विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन फॉर एनी आर्बिटरी इवेंट ए ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ अबव रेंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सच देट एज़ ऑलरेडी अकर्ड इज ठीक है कोई रेंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें बी वन से लेकर बी एन तक ये सारे उसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ठीक है ठीके? इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तभी हमारा फॉर्मूला वैलिड रहेगा अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये इन्फाइनिट बन जाएगा ठीक है ना तो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो किसी आर्बिटरी इवेंट ए ठीक है ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इसके सेम्पल स्पेस में जो तो कोई आर्बिट्ररी स्वैच्छिक इवेंट हम लेते हैं ए ठीक है तो हमारा जो इवेंट बी वन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सच दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड अगर ए ऑलरेडी हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में ठीक है तो उससे रिलेटेड है कि एक हमारा जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है ठीक है एक्सपेरिमेंट के अंदर बी वन बी टू बी एन तक सब है उसमें से हमने कोई इवेंट लिया ए ठीक है अब बी वन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ए जो है वो ऑलरेडी हो चुका है जो ऑलरेडी हो चुका होता है उसका हम पीछे लिखते हैं और जो हमको चाहिए होती है ठीक है उसका आगे लिखते हैं तो पी बी वन ए ये क्या होगा इवन बी वन के होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी दैट ए ऑलरेडी हो चुका है तो इस थ्योरम क्या कहती है कि इसको हम कैसे निकालते हैं पी बी वन ठीक है बी वन के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बी वन यानी बी वन हो चुका है तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ जो है ना उसका हमने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है ना कि बी वन हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो और इस तरह की जो भी टर्म्स आती है हमारे पास बी वन से लेकर बी एन इवेंट्स है ना सबका समेशन हमको इसके डिनोमिनेटर में लिखना है ठीक है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा समेशन आई वर्स टू वन से लेकर एन तक पी बी आई पी ए बी आई ठीक है ना ये हमारी होती है थ्योरम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि इससे हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ठीक है ना बस ये ध्यान रखना है कि क्या इसकी थ्योरम है ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सपोज बेग वन कंटेंस टू वाइट थ्री रेड बॉल्स एंड बैग टू कंटेंस थ्री वाइट एंड फोर रेड बॉल्स ठीक है दो बेग दे रखें फर्स्ट बैग के अंदर क्या है दो तो व्हाइट और तीन रेड बॉल्स हैं ठीक है फिर जो सेकंड बैग है उसके अंदर तीन व्हाइट और फोर रेड बॉल्स दे रखी है अगर एक बैग हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ठीक है और उसमें से एक बॉल निकालते हैं तो अगर जो बॉल हमने निकाली वो वाइट है तो इस चीज़ की क्या प्रॉबिलिटी होगी कि हमने उसको बैग वन से निकाला है ठीक है क्या हो चुका है बॉल वाइट आ चुकी है ठीक है और अगला जो हमारा मतलब ए जो है ना वो तो ये कि बॉल का वाइट आना ठीक है उसके बाद बैग वन से होने की क्या प्रॉबिलिटी है वो यहाँ पर बी वन है ओके okay. लिख देती हूँ मैं उसको इवेंट ए मेरे पास में क्या है कि बॉल जो है ना इज़ वाइट ठीक है क्योंकि हमने बोल दिया कि बॉल तो वाइट है जो हो चुका है उसको हम ए बोलते तो वो हो गया बी वन क्या है कि बॉल इज़ टेकन फ्रॉम बेग वन ठीक है और बी टू क्या हो जाएगा कि वो हमने बेग टू से ली है ओके फॉर्मूला लगा दो बस सिंपली पी बी वन ए इसका आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी मतलब स्ट्रेट लाइन में खींच सकते हो ऐसे भी ऐसी हुए ठीक है क्या होगा पी बी वन पी ए बी वन डिवाइडेड बाय समेशन तो हमारे पास में बेसिक कितनी चीज़ें दो ही तो बह गए यानी बी वन और बी टू दो चीज़ों के लिए आ जाएगा पी बी वन और यहाँ पर इसका उल्टा लिखना होता है ऐसे भी ध्यान रख सकते हो ठीक है ए बी वन प्लस पी बी टू पी ए बी टू ठीक है फॉर्मूला लिख दिया अब देखो इसके अंदर क्या होगा पी बी वन यानि कि बेग वन होने की प्र, कि, कितनी प्रोबेबिलिटी है तो हमारे पास दो ही बेग है ठीक है ना तो एक दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हाफ हाफ हो जाएगी तो पी बी वन हो गया हाफ उसके अंदर पी ए बी वन ए क्या है वाइट बॉल होना बी वन यानी बैग वन ठीक है बी वन ए यानी पहले हमने बी वन लिया है तो हमने बैग वन ले लिया है ओके उसको चूज़ कर लिया है उससे हमने बॉल निकाली लिया तो ए यानी उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी तो बैग वन से अगर हमने बॉल निकाली है तो वाइट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी तो बेग वन में दो वाइट बॉल है टोटल बॉल कितनी है टू प्लस थ्री फाइव तो वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट यानी टू डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है तो ये हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई फाइव उसके बाद में पी बी वन ये ये की चीज़ है तो? तो वन बाई टू इंटू टू बाई फाइव प्लस पी बी टू बेग टू से बॉल निकली है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यानी बेग टू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आई मीन तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ़ है बेग वन और बेग टू सेलेक्ट करने की हाफ और पी ए बी टू यानी अगर बी टू बेग हम चूज करते हैं सेलेक्ट करते हैं उससे बॉल निकालते हैं तो उसके ए यानी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो बेग टू के अंदर तीन वाइट बॉल्स है तो फेवरेबल इवेंट तो थ्री डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जो भी है आउटकम्स आई एमिन ना तो थ्री और फोर सेवन थ्री बाय सेवन ठीक है इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग ये कैलकुलेशन कर लिया मैंने पूरी ठीक है ना कैंसिलेशन वगैरह है एलसीएम ले लेना ले ले फोर्टीन बाई ट्वेंटी नाइन इसका राइट right आंसर आ जाएगा बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक किसको लेते हैं बी वन किस लेते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा नेक्स्ट ऐसा ही करके देखते हैं हम हम नेक्स्ट क्वेश्चन ने किया बॉक्स कंटेंट्स नाइन्टी नाइन फेयर कॉइंस एंड वन डबल हेडेड कॉइन ठीक है वन कॉइन इज चूजन फ्रॉम बॉक्स एट रैंडम द कॉइन इज टोस्ट थ्री टाइम एंड वी गेट हेड्स ऑल द टाइम वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कॉइन कॉइन विल बी डबल हेडेड ठीक है एक बॉक्स है उसमें नाइनटी नाइन तो फेयर कोइंस भरे हुए हैं और एक उसमें डबल हेडेड कोइन है डबल हेडेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके दोनों साइड के अंदर हेड ही हो उसको हम डबल हेडेड बोलेंगे ठीक है वन कॉइन इज चूजन फ्रॉम बॉक्स एट रैंडम एक कॉइन चूज करते हैं हम उससे कॉइन को टोस्ट करते हैं तीन बार तीनों बार टोस्ट करने पे हमको तीनों बार हेड ही मिल रहा है ठीक है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन कॉइन विल बी डबल हेडेड तो जो कॉइन चूज़ किया उसके डबल हेडेड होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ठीक है तो जो हमको मानना होता है पहले वो मान लेते हैं ओके क्या चीज है कि सबसे पहले तो जो हो चुका है वो क्या होता है ए ठीक है तो ए तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कि तीन बार टोस किया है तीनों बार हेड मिला है तो गेटिंग थ्री हेड्स इन थ्री टोजेस ठीक है ये हो गया उसके बाद में और दूसरा क्या है कि अब हमको निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी की चूजन वो डबल हेड, डबल हेडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो नाइन्टी नाइन तो फेयर कॉइन्स है इनको बी वन ले लेती ले हूँ मैं तो ये तो क्या हो गया फेयर कॉइन्स? आई थिंक ब्राइटनेस काफी ज़्यादा हो रही है बट ये बार बार सेट नहीं हो पा रही यार बी टू हो गया हमारे पास में डबल हैडेड कोइन ओके तो हमको क्या बोला है कि तीन तो ये हेड आ चुके हैं ठीक है ठीके? और डबल हेडेड होने की निकालनी है यानि पी तीन हेड तो आ चुके हैं डबल हेडेड यानी बी टू होने की प्रोबिलिटी निकालनी है ठीक है तो सेम जो अभी वो फॉर्मूला था उसी को यूज करना है हमको इक्वल्स टू वट पी बी टू जो यहाँ लिखा होता है उसका उल्टा लिख देते हैं तो पी ए बी टू ठीक है उसके बाद में नीचे क्या बी वन बी टू दोनों की वजह से लिखेंगे ठीक है तो बी सॉरी पी बी वन पी ए बी वन प्लस पी बी टू और पी ए बी टू ठीक है ना अब देखो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और कॉम्बिनेशन के थ्रू लिखना चाहे तो उसके थ्रू भी लिख सकते हैं एक बार मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू लिख देती हूँ आप लोग सॉल्व करके देखना पी बी टू यानी कि डबल हेडेड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो डबल हेडेड कितना है एक ही कॉइन है और हमको यहाँ पे एक ही कॉइन सेलेक्ट करना न, coin है ना ठीक है वन कॉइन इज चूजन फ्रॉम बॉक्स एट रैंडम तो वो एक डबल हेडेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो फेवरेबल क्या है कि उसी एक में से चूज हो जाए टोटल कितने कोइन् हैं हंड्रेड है तो हंड्रेड सी वन यानी हंड्रेड में से एक चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ठीक है पी ए बी टू यानी अगर डबल हेडेड कॉइन हो तो एक ही होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी यानी डबल हेडेड के अंदर तीनों हमारे पास हेड है हो, उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली अगर उसमें है हे ही हेड ही तो हर बार हमको हेड ही मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वन डिवाइडेड बाय पी बी वन बी वन यानी कि फेयर कोइंस के लिए ठीक तो है? है? है तो फेयर कोइंस कितने हैं नाइन्टी नाइन है मेरे को नाइन्टी नाइन में से वन सेलेक्ट करना है तो नाइन्टी नाइन सी वन डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हंड्रेड कोइंस है हंड्रेड सी वन इन टू पी ए बी वन यानी अगर हम फेयर कोइन चूज़ करते हैं ना तो हमारे पास में तीनों हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है तो फेयर कोइन अगर हम लेते हैं उसको तीन बार टोस करते हैं तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने होंगे एट होते हैं कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना हम हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल ये सारे बना लेना आप टोटल तो आठ कॉम्बिनेशन बनते हैं ठीक है तो इनमें से ट्रिपल हेड की केवल एक ही कंडीशन है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ठीक है तो यानी वन बाय एट प्लस ये वाली चीज़ तो वो के वही वो है ना तो वापस सॉल्व नहीं करते उतार देते डायरेक्ट इसका आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा और अगर ये कॉम्बिनेशन वाले में नहीं फंसना चाहो ना तो ऑब्वियसली बात है देखो पी बी टू डबल हेडेड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी तो टोटल तो कोई नहीं हंड्रेड डबल हेडेड कितना है? एक ही है ना तो वन बाय हंड्रेड बस ठीक है एक ही डबल हेडेड है वन और टोटल को एन हंड्रेड है तो वन बाय हंड्रेड इंटू ये तो अभी समझा दिया वन डिवाइडेड बाय पी बी वन नाइन्टी नाइन है हमारे पास में फेयर यानी फेवरेबल इवेंट कितने हो गए नाइन्टी नाइन टोटल कितने होंगे तो टोटल सिक्के सो है तो हंड्रेड इन टू ये चीज़ एक्सप्लेन करी वो वन बाई एट प्लस का इसको ऐसा कैसा वन बाय हंड्रेड इंटू वन इसको जब आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हो ना इसको सेपरेटली दोनों तरीके से कर सकते हो बात तो एक ही है ना ठीक है तो इसमें हो सकता है आप उलझ जाओ कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है बस ठीक है वापस वो सी लगाने के अंदर बाकी एक ही चीज़ है इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर नियरली जीरो पॉइंट जीरो सेवन फोर सेवन ऐसा कुछ आता है ना तो अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है ये राइट right आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन अ बोल्ड फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल ठीक है तो बोल्ट फैक्ट्री है ए बी सी तीन मशीन है ए जो है वो टोटल का पच्चीस परसेंट प्रोडक्ट बनाती है बी जो है वो थर्टी फाइव परसेंट और सी फोर्टी परसेंट बनाती है ठीक है अगर उनके आउटपुट के अंदर जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो कितने होते हैं तो फाइव फोर और टू परसेंट रेस्पेक्टिवली ठीक है यानी ए में पाँच परसेंट बी में चार परसेंट सी में दो परसेंट जो है वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी एक बोल्ट निकाला रेंडमली प्रोडक्ट से वो डिफेक्टिव आ गया ठीक है तो बी ने बनाया मशीन बी ने बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हो क्या चुका है उसको ए लेते हैं देखिए सॉल्यूशन जो हो चुका है उसको ए लेते हैं क्या हो चुका है कि वो डिफेक्टिव आ चुका है ठीक है ना तो डी फॉर डिफेक्टिव लिख दू मैं यानी हमारा जो इवेंट ए है वो यहाँ पर क्या है डी यानी डिफेक्टिव ओके ये तो डी मतलब है ना ये मान लो ए हो गया ठीक है उसके बाद ये प्रॉबिलिटी की है बी ने बनाया इसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो पी डिफेक्टिव तो आ चुका है ठीक है फिर बी ने बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो क्या होगा तो वही कि हमारे पास पहले बी वन बी टू होते थे ना वैसे इस बार हमारे पास बी वन बी टू बी थ्री तीन चीज़ें ठीक है जिनको ए बी सी नाम दे रखा था हम इसी से सॉल्व करते ईजी पड़ेगा तो पी ए यानी ए ने निकाला उसको अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखूँ मैं तो जीरो पॉइंट टू फाइव बी बना रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव और सी बना रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जीरो पॉइंट फोर जीरो ठीक है अब इनके अंदर क्या है कि डिफेक्टिव निकलने की यानी कि अगर ए से मैन्युफैक्चर हो रहा है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पी ए ने बनाया है ठीक है तो डिफेक्टिव होने के चांस कितना है तो हमको दे रखा है फ़ाइव ठीक है तो यानी फाइव परसेंट यानी ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव ऐसे ही अगर बी ने बनाया है तो उसके आउटपुट में डिफेक्टिव होने की फोर परसेंट है तो बी ने बनाया तो डिफेक्टिव होने के जीरो पॉइंट जीरो फोर और ऐसे अगर सी ने बना दिया है तो फिर डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं हमारे पास में जीरो पॉइंट जीरो टू हमको निकालना क्या है कि डिफेक्टिव तो आ चुका है अब बी के द्वारा बनाया गया है इसके चांस निकालना है तो पी बी डी कैसे लिखेंगे हम इसको ऑब्वियसली जैसे हर बार लिखते हैं पी कि एक तो क्या है बी से निकला है ठीक है और उसके बाद में पी उल्टा करके लिखते हैं तो डी बी अब ऐसे हमको ए बी सी तीनों के लिए लिखना है तो पी ए पी डी ए प्लस पी बी पी डी बी प्लस पी सी ये तो ए बी सी डी बोलने जैसा हो गया यार पी डी सी ठीक है उसके बाद में आई होप दिख जाएगा हूँ पी बी कितना है हमारे पास में ये सब वैल्यू सबसेड करोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू डी बी ए जीरो पॉइंट जीरो फोर डिवाइडेड बाई एक के लिए लिखना है हमको तो क्या है जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव ये यहीं से वैल्यूज लिख रही हूँ मैं सारी ठीक है ये वाली पूरी चीज़ ऐसी कैसी इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर और उसका जीरो पॉइंट फोर जीरो इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग आंसर इसका ज़ीरो पॉइंट फोर वन को चाहता है ठीक है तो इस थ्योरम के ऊपर तीन एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं इतना बहुत है इसके लिए ठीक है ना बस आपको बेसिक्स इसकी थ्योरम पता होनी चाहिए तीन एग्जाम्पल्स आई थिंक अप्लाई करना समझ में आ ही होगा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल ठीक है तो क्या होता है वो देखते हैं इट इज़ डिफाइंड एस अ रियल नंबर एक्स कनेक्टेड विद द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं ठीक है उसके साथ में कनेक्टेड रियल नंबर एक्स होता है अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ठीक है जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूस ठीक है फर्स्ट होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दूसरा होता है कंटीन्यूस रैंडम वेरिएबल यार आज मेरे को ब्राइटनेस का बहुत लग रहा है कि ज़्यादा है और बनाने का फिर मन भी नहीं करता है कि दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है आई होप अब दिख रहा हो तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है इस केस के अंदर जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं वापिस चेंज ठीक है कुछ नहीं अब इन दिस केस रेंडम वेरिएबल एक्स जो होता है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है ठीक है नंबर दैट वी गेट ऑन अ डाइस एग्जांपल के लिए जैसे हम डाइस को फेंकते हैं ठीक है तो हमको क्या मिल सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये छह चीज़ें ही मिल सकती है ना तो एक्स जो है वो वन टू सिक्स कुछ भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी होती है वन बाई सिक्स होती है ठीक है तो अब हमने क्या किया है कि एक्स क्या है इसके आउटकम्स को बोला है एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट हो रही है इसलिए जो वेरिएबल हमने एक्स लिया है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं ओके जैसे हम और एग्जांपल देखें कॉइन को टॉस करती हूँ मैं दो कोइन्स लेती हूँ उनको टॉस करती हूँ या फिर ये मान लो एक कोइन को दो बार टॉस करती हूँ तो क्या मिलेगा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, टेल, टेल ठीक है तो इसके अंदर अगर जैसे मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं तो वो कितने हो जाएंगे या तो ज़ीरो होंगे या वन होंगे या टू होंगे ठीक है जीरो वन टू इस तरीके से कुछ होंगे यानी ये क्या डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहे हैं ना इसलिए ये जो हमने रेंडम एक्सपेरिमेंट किया है क्या चीज़ दो कोइन को टोस्ट करने का रेंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है इसके अंदर जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं इसके जो आउटकम्स हैं उनके साथ में मैं एक वेरिएबल एक्स एसोसिएट कर रही हूँ ठीक है जैसे कि नंबर ऑफ़ एट से उसको मैं वेरिएबल एक्स डिनोट कर रही हूँ तो नंबर ऑफ एट जीरो वन टू हो सकता है यानी जो डिस्क्रिट ये मतलब जो रैंडम वेरिएबल मैंने लिया है उसकी डिस्क्रिट वैल्यूज हो सकती है इसलिए इसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं जैसे हम लोग एनर्जी लिखते हैं क्वांटम में एनर्जी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच को स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ए स्क्वायर लिखते हैं फिर बोलते हैं एन की वैल्यू वन टू थ्री और इस तरीके से वहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी होती है तो यानी एनर्जी क्वांटाइज होती है ठीक है तो जो एन होता है वो उसका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है समझ में आया फिर जैसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हम बात करें तो यहाँ पर जो रेंडम वेरिएबल एक्स हम ले रहे हैं वो कंटिन्यूस वैल्यू ले सकता है जैसे कि मैं वन टू ठीक है इनके बीच से अगर मेरे को कोई रियल नंबर चाहिए ठीक है इनमें से मे को रियल नंबर चाहिए तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं ऑब्वियसली इंफानेट नंबर हो सकते हैं ठीक है ना यानी कि यहाँ पर क्या है वन पॉइंट वन पॉइंट के अंदर तो मैं कितना भी कुछ भी लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सारे नंबर क्या होंगे रियल नंबर ही होंगे यानी कि अगर मैं इन दोनों के बीच में मैं से कोई नंबर चूज़ करना है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि इन दोनों के बीच में से मे कोई नंबर चूज करना है तो वो नंबर जो है उसको मैं एक्स डिनोट कर देती हूँ रैंडम वेरिएबल एक्स है तो कोई भी कंटिन्यू वैल्यू ले सकते कंटिन्यूसली ठीक है इसलिए इस तरीके केस के अंदर जो एक्स होगा वो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा तो ये रैंडम वेरिएबल्स का बेसिक आइडिया था ठीक है अब कल से हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे ठीक है ना इसमें देख लो आप लोग ये टॉपिक आज हमने कवर कर लिया रेंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूस वो हमने कर लिया ठीक है कल हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं ठीक है थीके? और फिर सब्सिक्वेंट मतलब आगे जो भी सक्सेसिव टॉपिक्स हैं उनको करते जाएंगे तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही और यार ये जो ब्राइटनेस की वजह से तुम्हारे हुआ होगा फ्लक्चुएशन ठीक है तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना सॉरी फॉर देट ओके बाकी पढ़ते रहो एग्जाम पास में ऑल दी बेस्ट बाय बाय थैंक यू